हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1800 ग्रेड पे जो कि एक्स सिटी मतलब कि लेवल वन की जॉब जो है हमारी, उसकी सैलरी क्या रही और आपको जब ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा सैलरी। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये एमटीएस की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। और जैसा कि आप सभी लोग अभी जानते भी हैं कि एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है 30 सितंबर से, तो मैं ये पर्पज़ मेरा इसलिए है ताकि आप लोगों को एक पता लग जाए कि हाँ भाई, अगर आप एमटीएस में जॉब लेकर कर रहे हो तो आपको कितनी सैलरी रहेगी। एक तरीके से मोटिवेशन समझ लो कि हाँ भाई, उस तरीके से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम थोड़ा और ज़्यादा अपने पढ़ाई को बूस्ट करेंगे। ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप डी की नहीं है, याद रखना। ग्रुप सी की जॉब होती है एमटीएस, ठीक है, और ये लेवल वन की जॉब है, मतलब सबसे जो है लोएस्ट ग्रेड पे हमारा ये है। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या रही। तो मैं बता दूं, ये जो सैलरी है ये एक पर्सन की है जो कि दिल्ली में पोस्टिंग है, ठीक है, और उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बताया। बहुत सारे लोगों को थोड़ा गलत फहमी है एक तरीके की कि एमटीएस का क्या काम रहता है। तो उसने जो मेरे को बताया, मेरे दोस्त ने, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। एमटीएस में नॉर्मली वर्किंग जो प्रोफाइल है वो ये होता है कि फाइल रखना, ठीक है, कई बार अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है उसमें आपको जो है डाटा एंट्री का भी टाइम दे देते हैं, मतलब कि हाँ भाई आप जो है डाटा एंटर कर लो, मतलब कंप्यूटर का भी काम दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग का नाम ही है कि हाँ भाई आप जो है कोई भी काम आपसे करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो चाय बनाना, साफ सफाई है, ये सब आज के टाइम पे नहीं होता। बहुत पहले होता होगा तो होता होगा, लेकिन ठीक है अभी नहीं होता ये सारी चीज़ें। और एमटीएस की एक जो है डिसेंट जॉब रहती है, ठीक है, और मेनली आपको मेन पैसा यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा है, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो दिल्ली वाली की सैलरी है ये, बेसिक पे 18,000, डीए 50% के हिसाब से 9,000, ठीक है। और हाँ, ये जो है सैलरी स्लिप ये जुलाई 2024 की है, ठीक है। तो एचआरए जो है, क्योंकि ये दिल्ली में है, तो 30% मतलब कि 5400, और टीपीटी अलाउंस की अभी बात करूंगा मैं आगे, 2025 रुपये। और ड्रेस अलाउंस ये जो है आपको हर साल मिलेगा एक बारी, तो ये जो है जुलाई 2024 में मिलता है मेनली। तो ये आपको हर महीने नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ एक है, एक साल में एक बारी आपको मिलेगा ये 6,250 रुपये। तो टोटल जो है ग्रॉस सैलरी बनी वो 40,675 रुपये बनी। अब इसमें से जो डिडक्शंस हैं वो जो क्या क्या कटेगा, तो CGEGIS 10 रुपये, एम्प्लॉयज टीयर 1 मतलब NPS 2700, इनकम टैक्स क्योंकि आपकी टैक्स स्लैब में नहीं आता, इनकम टैक्स स्लैब में, तो इस वजह से नहीं कटता। CGS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 250 रुपये, और टोटल रिकवरीज हुई 2960 रुपये, और इन हैंड जो है जुलाई में इनको मिली 37,715 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर DA जो है 50% रहा, ठीक है, और अभी आगे बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी डीए जो 54% हो गया उस हिसाब से आपकी सैलरी क्या रहेगी। एचआरए आपका 30% है क्योंकि ये एक्सएटी का है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की अगर बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,350 रुपये है क्योंकि ये बिग सिटी में आता है और लेवल वन की जॉब है, और 50% प्लस डीए कर दो, ठीक है, तो 675 रुपये। तो कुल मिलाकर ये हो जाता है 2,025 रुपये। तो ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। डिडक्शंस यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है 10 रुपये कटा, और NPS नेशनल पेंशन स्कीम 10% कटता है बेसिक पे प्लस डीए का, बेसिक पे प्लस डीए का, तो 2,700 रुपये कटा। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS का 250 रुपये कटा। तो ये डिडक्शंस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हो एज ए एमटीएस तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्स सिटी की अगर बात करूं और वाई सिटी और जेड सिटी, तो तीनों में आपका बेसिक पे और डीए, क्योंकि 54% हो गया है डीए, तो उस हिसाब से आपका बेसिक पे और डीए सब में सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए आपको 30% मिलेगा एक्स सिटी में, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%, तो उस हिसाब से 5400 रुपए हुए।
टीपीटी की अगर बात करूं तो टीपीटी में दो मेनली देखा जाता है, एक आपका बिग सिटीज और एक स्मॉल सिटीज, ठीक है। मेनली एक्स सिटी वाले ज्यादातर बिग सिटीज में आते हैं, इस वजह से यहाँ पे 1350 है और प्लस डीए है जो कि 2079 रुपीज हो जाता है, ठीक है। अब वाई सिटी में क्या होता है कि कुछ शहर ऐसे होते हैं जो स्मॉल सिटीज में आते हैं और कुछ बिग सिटीज में आते हैं, तो बिग सिटीज वालों का ये रहा 2079 रुपीज और स्मॉल सिटीज में 900 रुपए प्लस बेसिक पे हो जाता है, तो यहाँ पे 1386 रुपए, ठीक है। और जेड सिटी में मेनली ज्यादातर स्मॉल सिटीज ही आते हैं, इस वजह से यहाँ पे 1386 रुपीज रहेगा आपका टीपीटी। बाकी इसके ऊपर मैंने जो है एक इमेज जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा कि किस किस ग्रेड पे और स्मॉल और बिग सिटीज में आपको कितना कितना जो है मिनिमम जो है मिलेगा और उस पर आप डीए लगा सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें आपका टीपीटी कितना बैठेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रॉस की, तो यहाँ पे टोटल ग्रॉस आपका 35,200 रुपए के करीब बनेगा और यहाँ पे 33,400 के करीब, और यहाँ पे अगर आपका स्मॉल सिटीज है तो आपका 32,700 रुपए के करीब बनेगा, और टोटल ग्रॉस यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा जेड सिटी में 30,906 रुपए। डिडक्शंस अगर मैं मान लूँ सारे तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका 32,000 इन हैंड अप्रॉक्स रहेगा, आपका यहाँ पे 30,000 रहेगा और 28,000 रहेगा जेड सिटी में, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो है सैलरी कम नहीं है, जिस हिसाब की आपकी क्वालिफिकेशन है 10th लेवल, तो 10th लेवल में इतने जो आपको सैलरी है गवर्नमेंट में मिल रहा है तो अच्छा है, एक डिसेंट जॉब है और आपका जो है एक सैलरी भी थोड़ी ठीक मिल रही है, ठीक है। तो आप मेहनत करो, कोशिश करो कि हाँ भाई आपको अपना होम लोकेशन मिल जाए इसमें एमटीएस में, इसमें चांसेस रहते हैं और जिस हिसाब से भी आपका रहेगा आप उसमें, और मेरा फ्रेंड बताता है कि उसको प्रिपरेशन का पूरा टाइम मिल जाता है एमटीएस में, मतलब मुश्किल से एक दिन में दो फाइल इधर से उधर रखनी होगी उसको और पूरा टाइम उसको पढ़ने में लगता है, ठीक है। तो अब वही है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है चीज़ें, बाकी आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट करता है उस पर भी है। तो बाकी आपके जो भी यहाँ पे रह गई हैं चीज़ें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।